हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। लास्ट टाइम हमने बात की थी साइन कन्वेंशन की, तो उसी के साथ हम देखेंगे उनको हम यूज करके क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। यूजेस ऑफ कॉनकेव और कॉन्वेक्स में कॉन्केव की सबसे बड़ी प्रॉपर्टी की कॉन्केव मिरर कन्वर्जिंग मिरर है। कन्वर्जिंग मिरर मीन्स हमारे पास जितनी भी लाइट उस पे पैरेलल रेज आती थी वो कहाँ करवाता था, उसको फोकस करवाता था। जितनी भी पैरेलल रेज अप्रोच करती थी सारी की सारी कहाँ आके फॉल करती थी, फोकस पे। तो ये हमारे पास कॉन्केव मिरर की प्रॉपर्टी थी। तो अगर हमें किसी छोटी सी चीज का बहुत बड़ा व्यू चाहिए, या हम बोल सकते हैं उसको हमने मैग्नीफाई करके देखना है, तो एक ऑब्जेक्ट पे फोकस करना है, तो हम यूज करेंगे कॉनकेव मिरर। जब हमें ज्यादा ऑब्जेक्ट्स पे फोकस करना है, स्कैटर्ड लाइट चाहिए, डाइवर्स्ड लाइट चाहिए, तो हम यूज करेंगे कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉनकेव मिरर का सबसे बड़ा पॉइंट कन्वर्जिंग है। कहाँ यूज होता है? सबसे पहले हेडलाइट्स में, सर्च लाइट्स में, टॉर्चर्स में, रिफ्लेक्टर्स की तरह यूज होता है। लेकिन यहाँ पे हम जो अपना ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ रखा है बल्ब। रिफ्लेक्टर की बात कर रहे हैं, टॉर्चर्स की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो बल्ब है उसकी पोजीशन होगी फोकस पे। बल्ब को फोकस पे रखेंगे, फोकस से रेज, मतलब ऑब्जेक्ट से रेज निकली, वो रेज जाके मिरर पे फॉल की। अब फोकस पे हमारे पास क्या रखा है, हमने कोई भी अपना बल्ब, जो हम जहां से लाइट जो है, सोर्स जहां से लाइट जो है एमिट हो रही है, लाइट निकली कॉनकेव मिरर पे गई। अब वो कैसे चली जाएगी? पैरेलल चली जाएगी। ऑब्जेक्ट फोकस इमेज कहाँ बनती है? इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी मीन्स पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज मतलब हमें टॉर्च की एक स्ट्रेट बीम नजर आती है, जो लाइट है वो बिल्कुल भी स्कैटर्ड नहीं होती है, फोकस्ड लाइट होती है। तो अगर हमने अपना जो बल्ब है उसको फोकस पे रखा है, वहां से जो रेज निकली, वो जो रेज जाके मिरर पे स्ट्राइक करेंगी। हमने बोला था फोकस का इंफिनिटी बनती है इमेज, और इंफिनिटी की फोकस बनती है। अब ऑब्जेक्ट मान लो फोकस पे है, तो इंफिनिटी इमेज मतलब पैरेलल रेज। तो पैरेलल रेज निकल के जा रही है यहां से, पैरेलल रेज जब निकल के जा रही है वो कैसे जाएंगी? स्ट्रेट जाएंगी। तो ये जो स्ट्रेट गई, टॉर्च में रिफ्लेक्टर की तरह हमारे पास यूज हो रहा है, तो कौन सा मिरर है? कॉनकेव मिरर है। बल्ब कहाँ रखा है? बल्ब फोकस पे प्लेस किया है, तो बल्ब को फोकस पे रखेंगे, उससे रेज निकलेंगे, मिरर पे जाके स्ट्राइक करेंगी और कैसे जाएंगी? पैरेलल। सेकेंड, कहाँ कहाँ यूज होता है? डॉक्टर्स यूज करते हैं कॉनकेव मिरर्स को, जितने भी ENT वाले होते हैं, आईज, नोज, थ्रॉट, या फिर कह लो कि हम अपने टीथ चेक करवाते हैं, तो वहां पे भी हमारे पास क्या होगा? वो जो मिरर यूज करते हैं कॉनकेव, क्योंकि फोकस्ड लाइट चाहिए। तो अगर हमें किसी एक ऑब्जेक्ट को फोकस करके देखना है, मैग्नीफाई करके देखना है, तो वो हमारे पास कॉनकेव मिरर होगा। तो डॉक्टर्स यूज करेंगे वो कौन सा होगा हमारे पास? कॉनकेव मिरर। कंसंट्रेट करने के लिए लाइट को एक पॉइंट पे, किसी एक पार्ट पे फोकस करवाना है, तो कॉनकेव मिरर यूज होगा। नेक्स्ट, सोलर कुकर्स में। अब ये कंसंट्रेटर टाइप सोलर कुकर्स मीन्स हमारे पास जब लाइट सनरेज आई, सनरेज आके फॉल की, ये हमारे पास जो सपोज हमने लिया बॉक्स, बॉक्स रखा है, बॉक्स को हमने एक साइड से ओपन कर दिया। तो जब हम बॉक्स को ओपन करते हैं, ऊपर वाला जो हमारे पास बॉक्स का कवर है उस पर हमने लगाया है यहाँ पे कॉनकेव मिरर। सोलर कुकर है, बॉक्स टाइप है, बॉक्स ऐसे होगा, यहाँ पे आके लाइट फॉल करेगी। तो सपोज जो लाइट आके फॉल की है वो कहाँ फॉल की है? कॉनकेव मिरर पे। अब इन्फिनिटी से रेज आ रही हैं, सनलाइट है, पैरेलल रेज हैं, दूर से आ रही हैं, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकल रही है हमारे पास वो कहाँ है? इन्फिनिटी है, लार्जर डिस्टेंस पे है। पैरेलल रेज आके फॉल की, जैसे ही आके वो मिरर पे फॉल की, मिरर से अब वो किस पे जाएंगी? पैरेलल फोकस, पैरेलल फोकस। फोकस पे हम अपना खाना रखेंगे, तो यहाँ जो फोकस है उस पे हमने खाना रखा है बनने के लिए। तो पैरेलल रेज आके सारी की सारी कहाँ जाके फॉल करेंगी? फोकस पे। तो जो बॉक्स
तक कवर है उस पे हमने कौन सा मिरर यूज किया है, कॉनकेव मिरर। तो बेसिकली लाइट को कंसंट्रेट करवाने के लिए, फोकस पे फॉल करवाने के लिए हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉनकेव मिरर यूज कर रहे हैं। तो यहां भी कॉनकेव मिरर था, जब लाइट को स्ट्रेट लेके जाना था टॉर्चेस में यूज किया, ऑब्जेक्ट बल्ब वो कहां रखा, फोकस पे, और रेज गई पैरेलल इंफिनिटी। सेकेंड केस डॉक्टर्स यूज करते हैं जब कंसंट्रेट करवाना हो किसी एक पर्टिकुलर पोर्शन को, एक पार्ट को चेक करना हो। नेक्स्ट हमारे पास सोलर कुकर्स में यूज होता है, तो सोलर कुकर्स में जो हमारा खाना है, जो बनाना है, वो कहाँ रखा जाएगा, फोकस पे रखा जाएगा। इन्फिनिटी से रेज आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी, फॉल करेंगी कॉनकेव मिरर पे, फॉल करेंगी वो आगे फोकस पे फॉल करवाएगा। तो पैरेलल फोकस, जो पैरेलल रेज आती है फोकस पे फॉल करती है, तो फोकस पे खाना रखा होगा वो बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सोलर फर्नेसेस, सेम कॉन्सेप्ट, वहां पे भी हम क्या करते हैं, पानी गर्म करने के लिए हमारे पास क्या होगा, कॉनकेव मिरर को हम यूज करेंगे लाइट को फोकस करवाने के लिए, कंसंट्रेट करवाने के लिए। अब खाने की जगह वहां पे क्या है हमारे पास, पानी। नेक्स्ट आ गया कॉन्वेक्स मिरर, तो डाइवर्ज करता है स्कैटर्ड लाइट। तो जब डाइवर्जिंग मिरर है, हमारे पास स्कैटर्ड रेज जाने वाली है, तो सबसे पहला ये हमने कॉमनली देखा है रियर व्यू मिरर्स में, व्हीकल्स में लगा होता है, साइड वाले व्हीकल्स, साइड वाले मिरर्स में हमारे पास कॉन्वेक्स मिरर यूज होता है। तो कॉन्वेक्स मिरर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि पीछे का हमें काफी एरिया कवर करना है, और उसमें जो छोटे 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 गाड़ियां हमें नजर आ रही हैं, तो मीन्स टू कवर और टू हैव लार्जर फील्ड ऑफ व्यू, इस चीज के लिए हमारे पास हम कौन सा मिरर यूज कर रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। लार्जर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, कौन सा मिरर यूज करेंगे, कॉन्वेक्स। कैसा है, डाइवर्जिंग है। हमने रियर व्यू मिरर्स में यूज किया, लाइट आके फॉल की, स्कैटर करवा देगा। तो जब वो स्कैटर करवाता है तो वो वाइड एरिया कवर करता है। तो ये तीन वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं कि हमें लार्जर फील्ड ऑफ व्यू चाहिए, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। स्ट्रीट लाइट्स में लाइट जब फॉल करती है तो डाइवर्ज करे, तो लाइट जब आके फॉल कर रही है वो डाइवर्जिंग लाइट हो, तो डाइवर्ज करवाने के लिए, टू हैव डाइवर्जिंग लाइट, हमारे पास क्या होगा, तो वो जो डाइवर्जिंग लाइट होगी उससे हमें हेल्प मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा एरिया कवर होगा, इसलिए स्ट्रीट लाइट्स में भी कॉन्वेक्स मिरर यूज करेंगे। नेक्स्ट बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में, तो वहां पे जब हमें कस्टमर्स की एक्टिविटीज को चेक करना हो तो कॉन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है, कि हमारे पास, हमें छोटे से मिरर में काफी फील्ड ऑफ व्यू चाहिए और उसमें हमें एक्टिविटीज चेक करनी है कस्टमर्स की, तो ये वहां पे यूज होगा। तो टू चेक द एक्टिविटीज ऑफ द कस्टमर्स, तो हम कौन सा यूज कर रहे हैं, अगेन कॉन्वेक्स मिरर यूज कर रहे हैं। तो ये थे यूजेस, कॉनकेव, कंसंट्रेट करवाना हो जहां लाइट को, एक पार्ट का हमें चाहिए हो तो कॉनकेव मिरर यूज करो, कहाँ कहाँ यूज होता है, हेडलाइट्स में, टॉर्चेस में, फिर डॉक्टर्स के पास यूज होगा, फिर हमने बोला हमारे पास सोलर कुकर्स में यूज होगा, सोलर फर्नेसेस में यूज होगा। तो ये कॉनकेव मिरर, कन्वर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स, डाइवर्जिंग मिरर, जितना भी ज्यादा फील्ड ऑफ व्यू चाहिए तो कौन सा ले लेंगे हम, रियर व्यू व्हीकल्स, स्ट्रीट लाइट्स में, या फिर बिग शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस में। नेक्स्ट उसके बाद आ गया मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला में हमारे पास जहां रिलेशन होगा, हमें रिलेशन मिलेगा यू वी और एफ की टर्म्स में, उसको हम क्या बोलते हैं, मिरर फॉर्मूला बोलते हैं। तो जो रिलेशन डिफाइन करता है, यू इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी इज इमेज डिस्टेंस, और एफ क्या है, फोकल लेंथ है। तो जहां यू वी और एफ के बीच में हमें रिलेशन मिल रहा है वो कौन सा हो गया, मिरर फॉर्मूला हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, इसको कहाँ अप्लाई करते हैं, तो ये पैराक्सियल कंडीशन को फॉलो करता है। जिन भी मिरर्स का अपर्चर स्मॉल हो, चाहे कॉनकेव मिरर चाहे कॉन्वेक्स मिरर, लगेगा दोनों पे, लेकिन उनका जो अपर्चर है वो स्मॉल होना चाहिए, तो पैराक्सियल कंडीशन इसी को बोलते हैं। तो जो मिरर्स पैराक्सियल कंडीशन को फॉलो करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं, सिर्फ उन्हीं पे ही हम मिरर फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो ये एक कंडीशन हो गई हमारे पास। नेक्स्ट है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या बताती है, कि ऑब्जेक्ट इतना था, उसके कंपैरिजन में इमेज का साइज इतना आया, तो हाउ मैग्निफाइड द इमेजेस,
साइज में कितनी वेरिएशन हो रही है, बड़ा हो रहा है कि छोटा हो रहा है, तो इमेज का साइज कितना चेंज होगा वो मैग्निफिकेशन है। तो बेसिकली मैग्निफिकेशन क्या है, इट इज द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। वी क्या है, इमेज, तो रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस उसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इस फॉर्मूले में यहाँ माइनस आता है, जब हम इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस की रेशियो लेंगे तो नेगेटिव साइन आएगा। सेकंड, जब हम साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट स्टडी करेंगे, साइज ऑफ इमेज टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट हमने स्टडी किया, वो भी क्या है, मैग्निफिकेशन है। तो मैग्निफिकेशन इज माइनस बी अपॉन यू, या तो पहला ये फॉर्मूला, सेकेंड इज एच टू अपॉन एच वन। तो मैंने कहा था अल्फाबेटिकली यू पहले, तो वो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, क्योंकि ऑब्जेक्ट होगा तभी इमेज बनेगी, और वी क्या है, इमेज डिस्टेंस। एच वन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, वन पहले तो टू आएगा, फिर साइज ऑफ एच टू क्या डिनोट करेगा, इमेज। बट जब हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं तो इमेज का ऊपर, इमेज डिस्टेंस ऊपर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऊपर, साइज ऑफ इमेज ऊपर, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर। तो ये आ गई हमारे पास मैग्निफिकेशन। फिर हमने बोला हम इनको अप्लाई कहाँ कहाँ करेंगे, कॉनकेव मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे। कैसे, ये हमने लास्ट टाइम किया था, यू तो हमेशा ही नेगेटिव होता है क्योंकि ऑब्जेक्ट मिरर के हमेशा लेफ्ट साइड रखा जाता है, तो यू हमेशा नेगेटिव, यू तो हर केस में नेगेटिव। V नेगेटिव होता है इन्वर्टेड वर्ड के लिए, रियल एंड इन्वर्टेड के लिए। V पॉजिटिव हो जाएगा वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। और मैंने कहा था कॉनकेव वर्ड, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो, कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ क्या होगी, नेगेटिव होगी। U हमेशा नेगेटिव, V इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव, तो V नेगेटिव हो गया रियल एंड इन्वर्टेड के लिए, और V पॉजिटिव हो गया वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए। फोकल लेंथ कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ नेगेटिव। तो यहां पे अब हमें मैग्निफिकेशन बतानी है, मैग्निफिकेशन इज एच टू अपॉन एच वन। अगर इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, तो एच टू की जगह क्या आएगा, माइनस एच टू अपॉन एच वन। मतलब ऑब्जेक्ट ऐसे था, इमेज ऐसे बनी है, तो ये प्लस एच वन, क्योंकि डिस्टेंसेज मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस वो नेगेटिव। बेसिकली साइज, जो भी डिस्टेंस परपेंडिकुलर होगा टू द प्रिंसिपल एक्सिस, सिर्फ वही डिस्टेंस, मतलब हाइट। तो हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इज नेगेटिव। तो प्लस एच वन माइनस एच टू। तो यहां जब हमने ये फॉर्मूला लगाया m इज माइनस एच टू अपॉन एच वन, तो मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव हो गई। अब एक चीज याद रखनी है, जब जब इन्वर्टेड वर्ड होगा, इन्वर्टेड में हमारे पास m भी नेगेटिव, एच टू भी नेगेटिव और v भी नेगेटिव, ये तीनों चीजें नेगेटिव। रियल एंड इन्वर्टेड के लिए मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव होती है, v तो पहले ही नेगेटिव था, एच टू भी नेगेटिव था, जहां भी इन्वर्टेड हो जाएगी। तो ये तीनों चीजें नेगेटिव होंगी इन्वर्टेड वर्ड की, इन्वर्टेड की, रियल एंड इन्वर्टेड की। मैग्निफिकेशन भी नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस भी नेगेटिव, और हमारे पास हाइट भी नेगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने साइन कन्वेंशन सीखी, पहले हमने यूवीएफ के लिए सीखी थी, अब मैग्निफिकेशन के लिए भी। तो सेम कॉन्सेप्ट, वर्चुअल एंड डायरेक्ट के लिए पॉजिटिव होगी, क्यों, अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है, इमेज भी ऊपर है, तो प्लस एच वन और प्लस एच टू, तो H2 by H1 M क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो जनरलाइज कर लिया, जनरलाइज करके लर्न करो, आसानी होगी। तो हमारे पास U हर जगह नेगेटिव, V किसके लिए नेगेटिव, इन्वर्टेड वर्ड के लिए, M किसके लिए नेगेटिव, इन्वर्टेड वर्ड के लिए, और H2 किसके लिए नेगेटिव, इन्वर्टेड के लिए। तो M, V और H2 रियल एंड इन्वर्टेड के लिए नेगेटिव, तो V नेगेटिव है अगर रियल एंड इन्वर्टेड, तो उसी का रिवर्स, V पॉजिटिव हो जाएगी वर्चुअल एंड इरेक्ट के लिए। सिमिलरली फोकल लेंथ मैंने क्या बोला, कॉनकेव की नेगेटिव, कॉन्वेक्स की पॉजिटिव, बाकी तो सेम है। तो ये है हमारे पास साइन कन्वेंशन, हमें कैसे अप्लाई करनी है। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं कि हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले एंगल
एन ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले जब भी न्यूमेरिकल देखते हो तो उसमें ये चीज देखो कि कौन सा मिरर है, उसको कैपिटल लेटर्स में न्यूमेरिकल में मेंशन करो कि हम कौन से मिरर की बात कर रहे हैं। तो पहला जो हमारे पास ये दिखा रहा है क्वेश्चन में क्या है कि कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है। तो एक चीज गिवन है मुझे, वो क्या आ गई, सबसे पहला कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर की साइन कन्वेंशन अगर याद है तो हम आसानी से लिख सकते हैं। तो साइन कन्वेंशन अप्लाई करेंगे कॉनकेव मिरर के लिए, H1 ऑब्जेक्ट ऑफ साइज 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का साइज मतलब H1, 15 सेंटीमीटर मतलब U, फोकल लेंथ मतलब 20 सेंटीमीटर, ये चीज गिवन है। सिर्फ उसको हमें साइन कन्वेंशन की फॉर्म में मेंशन करना है कि हम कैसे लिख सकते हैं। H1 4 सेंटीमीटर, U माइनस 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव वर्ड की फोकल लेंथ नेगेटिव माइनस 20 सेंटीमीटर। तो H प्लस 4, U माइनस 15, F माइनस 20। अब हम कैसे लिखेंगे, 1/b, 1/u, 1/f, हमें ये पता है एक मिरर फॉर्मूला। सेकेंड हमें मैग्निफिकेशन का पता है, माइनस बी अपॉन यू इज एच टू अपॉन एच वन। पूछा क्या है, सबसे पहले मिरर में देखो कौन सा मिरर है, कॉनकेव है या कॉन्वेक्स है। कॉनकेव है हमने लिख लिया, साइज एच वन, ऑब्जेक्ट का हाइट तो हमेशा पॉजिटिव ही ली जाती है, यू हमेशा नेगेटिव माइनस 15, फोकल लेंथ कॉनकेव की है तो माइनस। फाइंड आउट द पोजीशन मतलब फाइंड करना है वी, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड है या वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और साइज मतलब एच टू। तो ये तीन चीजें हैं जो हमें मोस्टली हर क्वेश्चन में फाइंड करनी होती है, कहीं कहीं ऊपर नीचे होता है। तो 1/v प्लस 1/u इज 1/f। बेटा कभी भी डायरेक्ट वैल्यूज मत पुट करो, कोशिश करो इससे एक और फॉर्मूला बनाओ, हमें फाइंड करना है 1/v, तो ये बन जाएगा 1/f माइनस 1/u। क्या मैं इसको ठीक करके लिख सकती हूँ, एफ यू, यू माइनस एफ, एलसीएम लेके, तो 1/v आ गया u माइनस एफ अपॉन एफ यू। वी कितना हो जाएगा, वी विल बी एफ यू अपॉन यू माइनस एफ। वैल्यू पुट कर देते हैं, फोकल लेंथ कितनी है माइनस 20, यू कितना है हमारे पास माइनस 15, यू माइनस 15 माइनस फोकल लेंथ इज माइनस 20। सॉल्व करो, 20 × 15 माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो माइनस 15 प्लस 20 5, 20 × 15 डिवाइडेड बाय 5 3, 60 सेंटीमीटर। कोशिश करो ऐसे सॉल्व करो, एलसीएम ना लेना पड़े, ज्यादा प्लस माइनस के चक्करों में ना पड़ना पड़े, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट कोई फॉर्मूला बना लें, अगर हम ये मेथड सीखते हैं तो इतने प्लस माइनस बीच में आते हैं हम कंफ्यूज नहीं होंगे, क्वेश्चन तो एक ही अटेम्प्ट करना होता है, तो अगर उसमें भी गलती हो जाए तो फिर वो सारा खराब। तो यहां पे हमने मिरर फॉर्मूला लगाया, उसको रीअरेंज किया, जो फाइंड करना है उसको लेफ्ट हैंड साइड, बाकी राइट हैंड साइड, उससे एक नया फॉर्मूला डेवलप कर लिया, वैल्यूज पुट की, वी आ गया। अब वी पॉजिटिव आया, वी पॉजिटिव आया, एक चीज तो आ गई वी विच इज प्लस 60। वी का पॉजिटिव होना बता रहा है कि कैसी नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट, कैसी नेचर है वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमने सबसे पहले वी निकाला, स्टेप नंबर वन। स्टेप नंबर टू, पोजीशन पॉजिटिव नेगेटिव से हमें पता चल गया कैसी नेचर है। स्टेप नंबर थ्री, स्टेप नंबर थ्री में मैग्निफिकेशन, एच वन हमें पता है, मैग्निफिकेशन इज माइनस वी अपॉन यू, तो मैं सीधा वैल्यू पुट करूं, माइनस वी अपॉन यू इज माइनस 60 और यू कितना है माइनस 15। एच टू बाय एच वन, तो एच टू फाइंड करना है, एच वन कितना आ गया 4, तो यहां से एच टू भी मिल जाएगा 60 × 4 डिवाइडेड बाय 15, तो ये आ जाएगी 16 सेंटीमीटर। तो ऑब्जेक्ट का साइज कितना था 4 सेंटीमीटर, 4 गुना बड़ी हो गई, मैग्निफाइड हो गई। चलिए बेटू बाय।